हाउ टू इंस्टॉल एंड रन फीजर क्लाइंट इन माइनक्राफ्ट 1.19.2 वर्जन। बाकी वर्जन के लिए भी है लाइक 1.16.5 एंड 1.8.9, लेकिन इस वीडियो में मैं तुम लोगों को इसका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग 1.19.2 में इसे इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हो। अगर किसी और वर्जन में तुम लोग इंस्टॉल करना चाहते हो तो सेम स्टेप्स हैं, क्या करना है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले तुम लोगों को 1.19.2 वर्जन को डाउनलोड कर लेना है और उसे एक बार प्ले कर लेना। जैसे ये वाला प्रोसेस हो जाएगा तुम लोगों को फिर इंस्टॉल आर चार्ज के ऊपर क्लिक करना है और तुम लोगों को इसमें फैब्रिक इंस्टॉल करना है 1.19.2 का। अगर तुम लोगों को ये फाइल वगैरह डाउनलोड नहीं करने आती फैब्रिक यूनिवर्सल जार की, तो मैंने उसका लिंक कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, तुम वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और अदरवाइज अगर है तो तुम लोग यहीं से टैप कर दो। और इसके बाद जैसे ही तुम लोगों का फैब्रिक यूनिवर्सल इंस्टॉल हो जाता है तुम लोगों को अपनी गेम को बंद कर देना है और कमेंट बॉक्स में मैंने जो फाइल प्रोवाइड करवा रखी है जिस भी वर्जन के लिए तुम लोग डाउनलोड करने वाले हो फीजर क्लाइंट को, उस वर्जन की फाइल तुम लोग डाउनलोड कर लेना। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम लोगों को एक 1.19.2 का फोल्डर देखने के लिए मिलेगा, इसे पूरा का पूरा कॉपी कर लो। एंड्रॉइड में चले जाओ, डेटा में चले जाओ, पूजा भी लॉन्चर का फोल्डर ढूंढो, ऐसा वाला होगा, उसके ऊपर टैप कर फाइल्स में जाकर डॉट माइनक्राफ्ट में जाकर तुम लोगों को मोड्स वाले फोल्डर में चले जाना है और वहां पे इसे पेस्ट कर देना है। 1.19.2 वाले फोल्डर को ओपन करना है और उसमें जितने भी मोड्स पड़े हुए हैं ना इनको एक ही बार में सारे के सारे सिलेक्ट करके कट करके मोड्स वाले इस वाले फोल्डर में तुम लोगों को पेस्ट कर देना है। और अब फिर से तुम लोगों को वहीं पे चले जाना है जहां पे तुम लोगों ने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रखा था। फोर्थ नंबर पर एक रिसोर्स पैक वाली फाइल है, उसे कॉपी कर लेना है। एंड्रॉइड में चले जाना है, डेटा में चले जाना है, पूजा भी लॉन्चर के फोल्डर में चले जाना है, फाइल्स में जाकर डॉट माइनक्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके यहां पे एक रिसोर्स पैक का फोल्डर होगा उसमें जाकर इस फाइल को पेस्ट कर देना। अब तुम लोगों को सिंपली से फैब्रिक 1.19.2 वर्जन को प्ले कर लेना और तुम लोग देख सकते हो हमारा माइनक्राफ्ट मजे से वर्क कर रहा है, कोई ब्लैक स्क्रीन का हमें प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला है। अब तुम लोगों को इस फीजर क्लाइंट को इंस्टॉल कैसे करना है इन गेम में, तो तुम लोगों को ऑप्शंस में चले जाना है, रिसोर्स पैक में चले जाना है। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तुम लोगों को एक छोटा सा रिसोर्स पैक फीजर क्लाइंट 1.8 to 1.19। जैसे तुम लोग इस रिसोर्स पैक को एक्टिवेट कर लेते हो तुम लोगों को डन करके हमारा फीजर क्लाइंट मजे से इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसा वाला इंटरफेस देखने के लिए मिलने लग पड़ेगा। और इस क्लाइंट को मैंने नहीं क्रिएट करा, इस क्लाइंट को क्रिएट करा गया है पूजा प्रो टीम की तरफ से। तो एक बिग थैंक यू दिस टीम दिस चैनल वर्क, क्योंकि बहुत ही अच्छा वर्क करा है डिटेल लाइक, और तुम लोगों को फीजर क्लाइंट वाले फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। बट यार मेरा मोबाइल इतना बेकार है, 4GB रैम वाला है, तो उसमें 1.19.2 अच्छे से सपोर्ट नहीं करा है। मैंने मल्टीप्लेयर भी चेक करा और साथ में मैंने सिंगल प्लेयर भी चेक करा, मेरा दोनों बार क्रैश हो गया था। आज के लिए बस इतना ही, तुम लोग ट्राई करो, बाय बाय।